गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं अनिल मीणा, चाणक्य क्लासेस। अपना जो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक चल रहा है, आज इसे अपन कंप्लीट करते हैं। और अब अपन को देखना है भाई, फसलें जो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, किस जिले में होती है, प्रति हेक्टर से उनका विशेष क्या है, ये सब आपको बताएंगे अपन। और मैंने टाइम तो आपको बता ही दिया भाई, कब बोया जाता है, कब काटी जाती है, क्योंकि सभी फसलों का टाइम भाई खरीफ की का एक ही होगा, रवि का एक ही होगा, जायद की का एक ही होगा। ये चीज़ पहले अपन देखते हैं, खरीफ की फसल पहले अपन कौन सी फसल देख रहे हैं, खरीफ की फसल। देखो सबसे पहले बाजरा, बाजरा देखो, बाजरा जो राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाता है बाड़मेर में प्रति हेक्टर उत्पादन होता है जयपुर, और मिट्टी की है बलुई प्लस रेतीली। आपको ये तो पता ही है भाई, ये खरीफ की फसल है, बोया जाता है बाड़मेर में प्रति हेक्टर उत्पादन जयपुर में, मिट्टी बलुई व रेतीली। और जो बाजरे का विशेष अपन को देखो, विशेष में भाई क्या है, ये मूल रूप से दक्षिणी अफ्रीकीय पौधा है। कहाँ का पौधा है, दक्षिणी अफ्रीकीय पौधा। और इसमें सर्वाधिक किसकी मात्रा होती है, कार्बोहाइड्रेट, इसमें सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है बाजरे, क्योंकि आपने देखा होगा बाजरे की दो रोटी खाने के बाद में शाम तक भूख नहीं लगती, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ध्यान रखना, ये अपना बाजरा खत्म। उसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं अपन ज्वार, नेक्स्ट ज्वार। देखो उत्पादन सर्वाधिक अजमेर, मिट्टी वही लाल, और विशेष लिखेंगे इसे गरीब की रोटी, जैसे गरीब की गाय बकरी, गरीब की रोटी ज्वार। और इसका उपनाम सोरगम, और ज्वार का उपनाम क्या है, सोरगम। और ये उपयोग जैसे औषधि के रूप में भी काम में ली जाती है, औषधि। और ज्वार उत्पादन अजमेर, मिट्टी लाल, विशेष गरीब की रोटी, सोरगम, और औषधि के रूप में भी इसमें उपयोग में ली जाती है। नेक्स्ट मक्का, नेक्स्ट फसल कौन सी आ गई अपनी, मक्का। देखो उत्पादन चित्तौड़ व उदयपुर, मिट्टी काली प्लस लाल, विशेष देखो इसमें सर्वाधिक स्टार्च की मात्रा पाई जाती है, सर्वाधिक किसकी मात्रा पाई जाती है, स्टार्च की। मक्का में सर्वाधिक स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। और उसके बाद में ये रात्रि में सर्वाधिक वृद्धि करती है, ध्यान है ना, अगर आपसे पूछे रात्रि में सर्वाधिक वृद्धि कौन सी फसल करती है, मक्का, कौन सी फसल करती है, मक्का। और जो हरी पत्तियों से जो चारा बनाया जाता है उसे कहा जाता है साइलेज, जो पशुओं के लिए जो चारा बनाया जाता है उसे कहा जाता है साइलेज। और मक्का अनुसंधान केंद्र है वल्लभ नगर उदयपुर, वल्लभ नगर उदयपुर। और माही, एक मक्का की किस्म, माही किस्म का मक्का अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा,
आपसे कोई पूछे माई किस्म का मक्का अनुसंधान केंद्र का है, बांसवाड़ा। रात्रि में सर्वाधिक वृद्धि करती है, स्टार्च की मात्रा पाई जाती है, जो मीठापन या ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है, और मक्का अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर। और इसकी किस्में जैसे माही, कंचन, धवल और सुगंधा, ये मक्का की किस्में माही, कंचन, धवल व सुगंधा। स्टार्च, साइलेज, ये चीज का ध्यान रखना। बाजरा खत्म, ज्वार खत्म, मक्का खत्म। नेक्स्ट अपन देखते हैं मूंगफली। कौन सी आ गई? मूंगफली। देखो उत्पादन में प्रथम स्थान जयपुर और प्रति हेक्टर उत्पादन में प्रथम स्थान बीकानेर और सबसे उत्तम श्रेणी की मूंगफली उत्पादन होती है लूण करणसर में। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट। ध्यान रखना भारत में आज सबसे अच्छी मूंगफली मानी जाती है गुजरात के राजकोट की, और राजस्थान में सर्वाधिक सबसे अच्छी उत्तम श्रेणी की मूंगफली जानी जाती है लूण करणसर की, जिसे कहा जाता है राजस्थान का राजकोट। मिट्टी वही बलुई रेतीली। देखो विशेष इसे गरीब का मेवा या गरीब की बादाम कहा जाता है, गरीब का मेवा या गरीब की बादाम। और राजस्थान की सबसे बड़ी मूंगफली की मंडी है बीकानेर। ध्यान रखना राजस्थान की सबसे बड़ी मूंगफली की मंडी बीकानेर। और इसका जो किस्म है वो कौन सी है? चंद्रा। कौन सी किस्म है? चंद्रा। मूंगफली की किस्म कौन सी है? चंद्रा। ये आपके मूंगफली खत्म। देखो चावल, नेक्स्ट फसल आ जाती है अपनी चावल। देखो चावल ध्यान रखना, ये इसे सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि अपने जो भी काम करते हैं तो सबसे पहले चावलों का ही पूजा की जाती है। शादी भी तय करते हैं तो चावल, पीले चावल देते हैं, विवाह निमंत्रण में भी यही होते हैं चावल। और विश्व में सबसे अधिक खाई जाने वाली वो भी कौन सी है? चावल। विश्व में सर्वाधिक कौन खाया जाता है? चावल। भारत में भी चावल, भारत में चावल, ध्यान रखना। अब चावल देखो उत्पादन सर्वाधिक हनुमानगढ़ के अलावा इधर को हाड़ौती क्षेत्र, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र। उसके बाद है मिट्टी काली मिट्टी के साथ साथ चिकनी मिट्टी। विशेष यानी विश्व में सर्वाधिक चावल कहाँ होता है? चाइना में। और चाइना भी फेमस ही है, क्योंकि भारत में सभी मेड इन चाइना के ऊपर बैन लगा दिया, और कोरोना भी आपको पता है, इसी कारण अपन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। कोरोना नहीं होता तो ऑफलाइन पढ़ते, और पढ़ाई में एग्ज़ाम भी हो जाते, अब तक कईयों को ज्वाइनिंग भी मिल जाती, लेकिन कोरोना ने सब कुछ काम ढीला कर दिया। और एक ही है, घर रहो सुरक्षित रहो। तो आप भी कोरोना से घर रहो सुरक्षित रहो, और देखते रहो बार बार, जिससे आपकी पढ़ाई तो डिस्टर्ब नहीं हो। हाँ चावल हनुमानगढ़। देखो विशेष ये लिखना है चावल हनुमानगढ़ काली चिकनी। विशेष ये सर्वाधिक चाइना में होता है, और चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा। चावल अनुसंधान केंद्र का है बांसवाड़ा। और चावल के प्रमुख किस्में कौन कौन सी है? जैसे चंबल, बासमती, कावेरी, परमल, लाल किला,
अमन, ओस और बोरा, ये चावल की प्रमुख किस्में। चंबल, बासमती, कावेरी, परमल, लाल किला, अमन, ओस और बोरा, ये चावल की प्रमुख किस्में। नेक्स्ट फसल लेते अपन कपास। नेक्स्ट फसल कौन से लेते हैं? कपास। और ध्यान रखना, चावल की जो सबसे बड़ी मंडी है राजस्थान की, वो है बारा। चावल की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? राजस्थान में, बारा। कपास उत्पादन हनुमानगढ़, सर्वाधिक हनुमानगढ़, गंगानगर और हाड़ौती क्षेत्र। मिट्टी वही काली मिट्टी। देखो विशेष, इसे ग्रामीण भाषा में क्या कहा जाता है? बनिया। बनिया ध्यान रखना, इसे ग्रामीण भाषा में क्या कहा जाता है? बनिया। और ध्यान रखना, कपास की बिक्री हमेशा किस में होती है? गांठों में। किस में होती है? गांठों में। कपास की बिक्री किस में होती है? गांठों में। और कपास को बढ़ावा देने के लिए क्रांति चलाई थी, कौन सी? जो कल मैंने आपको बताया था, व्हाइट गोल्ड क्रांति। कौन सी क्रांति? व्हाइट गोल्ड क्रांति। कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्हाइट गोल्ड क्रांति चलाई। और उसके अलावा देखो, ग्रामीण में बढ़िया, उसके अलावा जो कपास, कपास की तीन किस्में, जैसे अमेरिकन लंबे रेशे वाली, देसी और मालवी। देखो अमेरिकन गंगानगर हनुमानगढ़ में बोली जाती है, देसी हाड़ौती क्षेत्र में, मालवी बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। और सबसे उत्तम श्रेणी की कपास है वो कौन सी है? अमेरिकन। और कपास के लिए पाला रहित मौसम रोना आवश्यक है। और इससे आगे अपन कल करेंगे, तो इन वीडियो को पूरा देखो। धन्यवाद जी। ओके, थैंक यू।